जी बापू जी, हुण असीं यही गल कर रहे सी वी धर्म एक सच धर्म दे जे अंडर सारे लोग आउण, एक सच दी विचारधारा दे अंडर आउण, तां ही विश्व शांति हो सकती है। बट हुण इन्ने सारे धर्म बने हुए ने, जे असीं एक एक नूं समझाउण लगे फिर तां सानूं बहुत टाइम लग जाएगा। एक आम आदमी दी समझ किद्दां पाईए आपां कि भाई साहब तुसीं आम आदमी दी? फिर उही गल, तुहानूं कोई किसी ग्रंथ की लोड़ नहीं है थोनू दुनिया के रहने वास्ते। मन जान तो सब बात, कबीर कहता जानते ही औगुण करे। तुसी ऑलरेडी हर आदमी जानता है कि गलत है की ठीक है। फिर गलती तो जान के करता है, उन्हें पता चोरी करनी गलत है, चोरी वो करता है। फिर उन्हें धर्म बढ़ाने का मतलब की रह गया? मतलब अपने मन में उत्थे सीध दे दे हो कि पुत्ते गलत है तो इत्थे रुक जो ना, वो दे अंतर आत्मा उन्हें दस दी है कि कम गलत है, वो दे मन लवे गलत खत्म। वो तो जान बुझ के कहने, मन जान तो सब बात, जानते ही औगण करे काहे की कुशलात, कुशल वो अंदर किमें हो जाए। हाथ दीप कुएं पड़े, वो तो दीवा लैके खूह च उन्हें दीदा खूह है, कुआ है, कुएं में गिरता है, दिया हाथ में जान के गिरता है, जान के गिरता है। फिर तू उसे पढ़ा के करोगे क्या? आगे पंडित बैठे ने कहंदे भी कोई गल नहीं, तेरा सी पाप कट दांगे। पंडित तो ये बता ही नहीं रहे कुआ है। हां, उदा कहंदे भी बस कोई नहीं, तो उल्टा पढ़ाई करा रहे भी अन्ने पैसे इथे रख। पंडित तो कह रहे ठीक है चलन दे, पंडित खुद लोभी है। मतलब फिर सानू पहला अपनी जिहड़ी पुरानियां मान्यतावां ने उहनू भुलना पैणा है, नहीं तां वो पुरानी, ओहो पुरानी को नवी आएगी आप हट जाएगी पुरानी। वैसे पुरानी पुरानियों ने तो झगड़ा पैदा किया, सब जानते हैं पंडित के सब खिलाफ हैं कि पंडित बुरा है, ये है, सब लोग कहते हैं। लेकिन फिर भी जो आम धारणा में हमें पता है बुरा काम है, जैसे हम मानते एक गलत काम है, पहली स्टेज में वो तो छोड़ दो, फिर आगे की बात करो। जब वो ही नहीं छोड़े, उसे आगे बताने का फायदा क्या? जो 5 किलो वजन नहीं उठा सकता, उठाने को तैयार, उसके क्विंटल की पढ़ाई उसे क्यों कराए? वो जानता है उतना तो उठाता नहीं, क्विंटल की पढ़ाई उसे कराने का फायदा क्या जब उसने उठाना तो 5 किलो भी नहीं। वो नहीं उठाएगा। लेकिन हमें, हम कहते रहो जो उठाने वाले हैं वो तो उठाएंगे ना। नीचे वाले के लिए दुनिया में एक आवाज आएगी, धारणा, अब तो बुराई वाले को कोई बुरा कहता ही नहीं। कभी हमारे समाज में कहते थे कि तेने बुरा काम किया, अब कहता कोई समाज में? समाज की जो पंचायत हैं, खाप पंचायत हैं, उनके खिलाफ अदालतें हैं कि जी हमारे पैरेलल हैं, कि उन्होंने सब लोगों को अपने जैसा बनाना था बुरा, खाप पंचायतों का कंट्रोल ही तोड़ दिया। जब भले आदमी थे, अच्छे थे, अच्छे फैसले होते थे, लेकिन इनकी मोनोपोली जाती थी कोर्टों में। अब पता लगता है ये क्यों खिलाफ थे। अब लोग इन्हें कान से पकड़ के इन कोर्टों को बाहर निकालेंगे कि हम इन कोर्टों से हमें कोई मतलब नहीं, हमें नहीं चाहिए, इनकी जवाबदेही नहीं है कोर्ट वालों की। तुम अपनी मर्जी के फैसले कैसे कर सकते हो जब राष्ट्रपति पे हमें विश्वास नहीं, प्रधानमंत्री पे विश्वास नहीं, हम किसी जज पे क्यों विश्वास कर ले? वो भी तो आदमी है, वो भी तो किसी, उसकी जवाबदेही क्यों नहीं? प्रधानमंत्री की जवाबदेही है, जज की, राष्ट्रपति की, जज की है नहीं, क्यों नहीं है? सबसे बड़ा नुकसान है। ये गल तो तुसी पापू जी बहुत वधिया कही है, जज अहिजे अहिजे फैसले दे दिंदे ने, ऐसे फैसले देते हैं जिहड़े बिल्कुल ही अपनी मर्जी के, मर्जी के होता कौन है मर्जी करने वाला? उसे अधिकार किसने दिया? हाँ, अपने विवेक का उस मिसयूज करते हैं। अगर वो विवेक पे फैसला लेता है, विवेक को आधार बना के, तो विवेक का टेस्ट होना चाहिए वाकई विवेक पे फैसला है या नहीं है।
अगर वो फैसला विवेक में नहीं, जज को जेल होनी चाहिए। तेने फैसला लिया कैसे? वो जेल में जाना चाहिए। किसे जेल करो? देखो भला कोई विवेक का इस्तेमाल कर लेगा? पर आगे फिर ये है ना कि ये सारे विवेक है, विवेक हाँ। है दुनिया में, संसार में, संसारी बुद्धि में विवेक होता ही नहीं। वो तो कबीर ने पाया है, कई कबीर में ऐसा गुर पायो जाका नो विवेक को। ये तो एक सिस्टम बन गया ना बापू जी, सरकार ने ऊपर शैतान का जज्जा तो अपने गल शैतान का ताना हाँ, बड़ा बड़ा हुआ है। बस गलत काम ऊपर शैतान ने करने हैं, पुलिस रखी है। कौन बड़ा है? हाँ। राष्ट्रपति बड़ा है? नहीं, राष्ट्रपति के हाथ में क्या कुछ भी नहीं। नाम राष्ट्रपति है, मालिक है ही नहीं। पार्लियामेंट बड़ी है, वो भी नहीं। सुप्रीम कोर्ट बड़ी, इनमें कौन बड़ा है कौन छोटा है ये तय करो पहले। ये नहीं फैसला तुम्हारा हुआ? जब तुम कहते आदमी पे विश्वास नहीं किया जाता तो जज पे क्यों करें? वो भी आदमी है, आदमी पे नहीं विश्वास करेंगे हम? तो मैं कह रहा था कि सुपर ह्यूमन जो है उनके एक पार्लियामेंट बने, जजों के ऊपर वो हो, सुप्रीम कोर्ट के ऊपर जो आईजी डीआईजी हैं उन पे वो हो कि इन्होंने गलत चालान किया है, इन्हें जेल करो सस्पेंड करके, फिर चलेंगे ये सीधे। बिल्कुल कैसे ना चलें? सियासतदान तो इनको मिसयूज करते हैं, उस सियासतदानों को बचाते हैं। वो तो पता है सबको, इसका समाधान कैसे हो? वही जिस आदमी को इच्छा नहीं है पावर की, सुपर ह्यूमन है, वो करेगा फैसले, वो नहीं कर सकता गलत फैसला, किसी सूरत में नहीं कर सकता। उनसे ये डरते हैं कि अगर वो आगे आ गए इनकी फिर हम उनके कंट्रोल में आ जाएंगे, बदमाशी खत्म। हाँ। अंदर से ये ऐसे है, बाहर से ऐसे है। पूरी आम आदमी, आम आदमी की करे है जी? फिर वही बात, आम आदमी जागरूक हो, इस ताने बाने को समझे कि हम पर हुकूमत करने को इन्होंने ये बदमाशी की है। बात तो समझाने की है, आम आदमी 5 साल के लिए ईमानदार बन एकदम वोट दे दें इनके खिलाफ सबके, हम खड़ा कर देंगे स्ट्रक्चर, एकदम सारे कानून पत्र के पास परे करेंगे, बोलें कैसे बोलते हैं हमारे सामने आके, जाएं पब्लिक में बोलें क्या बोलते हैं, इनके सब पढ़ देने गए हैं, कुछ बोल ही नहीं सकते, ये झूठे हैं। पर बाबू जी इन्ना वड्डा काम, ये तो एक युग परिवर्तन होएगा। युग परिवर्तन होगा और क्या होगा? झगड़े हो रहे अजकल, लगे हुए झगड़े सारे पास, सारा देश, सारे देशों पूरे वर्ल्ड असंतोष है इस टाइम। फिर वो ही बात, ऐसे कारण है, ऐसे कारण ही हल नहीं बताया किसी ने, हल का प्रचार नहीं हुआ। अब जो लोग जुड़ रहे हैं आके, क्यों जुड़ रहे हैं? जो इन्होंने बहकावे में धर्म बहकाया है धर्म के नाम पे, अब क्यों जुड़ रहे हैं? ये मतवान हुए, थोड़े से आदमी हैं, थोड़े नहीं हैं। डर तो मेरा ही कि थोड़े आदमी हैं हम। तुम्हारा डर होगा, हमें क्या डर है? आपस में बेईमान एक दूसरे के खिलाफ हैं सब, इनकी एकता नहीं हो सकती। वो भी ज़्यादा नहीं है मतलब। वो कौन है? हर पार्टी में पार्टी फूट है, एक दूसरे की टांग है, इनमें कितनी शक्ति हमें पता है? पर इकट्ठे हुए थे बापू जी ये टाइम कौन जो पी है बेईमान कभी इकट्ठे हुए हैं? कैसी बातें कर रहे हो आप? बेईमान अंदर से इकट्ठे हो ही नहीं सकते। इनमें भी ईमानदार आदमी है, जो कम बेईमान है इनमें से ही हम ले लेंगे। तू आ जा। तो फिर अपनी वो शासन, चलो शासन प्रणाली तो कहना गलत होएगा, वो किदां दी प्रणाली व्यवस्था होएगी? का वो जीवन दी व्यवस्था किदां दी होएगी जो साडे जो सुपर ह्यूमन चलाउणगे? जेड़ी होना ही हो, सिर्फ जाति नहीं कदे हो सकदी। मतलब कोई थाने च कोई सिपाही जाति नहीं कर सकदा, इन्ने थाने पुलिस दी जरूरत नहीं पैणी। अपराध करेगा क्यों?
वैसे जो व्यवस्था आ जाएगी तो आम आदमी ईमानदार हो जाएगा। बिल्कुल, नहीं तो हवा है, जब हवा चलती है तो सारे बदल जाते हैं। जब हवा चली थी अंग्रेज के खिलाफ सारा मुल्क खड़ा हो गया था, अब अंग्रेजों से बुरे हैं ये लोग, कहते हैं काले अंग्रेज। इनके खिलाफ हवा जब चलेगी तो लोग रातों रात बदल जाएंगे। अब तो ये जो हैं आपस में एक जैसे हैं, लोगों ने सरकार बदल बदल देख लिया, थक गए, वो दूसरा भी वैसा ही है। अब जो दूसरी पार्टी आएगी वो वैसी नहीं होगी, वो एक एक आदमी पब्लिक में उसका जीवन वो खरा होगा, वो आएंगे आगे। जब वो आएंगे उन्हें खरीद ले कोई, कैसे खरीदेगा? तो बापू जी, तुसी फिर पार्टी अपनी कदों आ रही है? मैं काहे, मेरी पार्टी काहे को है? गरीबों की पार्टी है, बनाए पब्लिक, बनाए अपनी पार्टी, ईमानदार इकट्ठे हों, बनाए। किसी को इनिशिएट तो करना पड़ना ना फिर ये? बिल्कुल भी नहीं। तुसी हुन समझाता, सब कुछ हो गया। ओहो, मैंने तो बताया है, एक आदमी ने खोज करके कोई बता दिया, इदा करो, नीचे नीचे उसने किया सब कुछ। जिन्हें रेल का इंजन बनाया था वो है कहीं अब? उसकी खोज थी, उन्हें तो बता दिया, लोग कर रहे हैं, पटरी वो बिछारा। मैंने बता दिया, करने वाले करेंगे, ये नहीं करने वाले नहीं हैं। वो चुप हैं, दुखी हैं, जो लोग जो देख रहे हैं इनको शैतानों को बहुत हैं। जिस रोज वो खड़े हो गए ना, इनकी टांगें जवाब दे देंगी। माहौल तो बन रहा बदलाव था वैसे। अब अकालियों को कोई स्टेज पे चढ़ने नहीं देता, सिर्फ कितने साल में, 2-3 साल तो पहले उनकी हुकूमत थी, इन्हें कोई बाहर नहीं निकलने देगा घर से। इतने गुस्से में है पब्लिक इनके खिलाफ। बस इस टाइम इस विरोध नू जे सही आगे लग गई तो बदलाव आ जाएगा, नहीं तो उलझा लेंगे दोबारा नेता फिर। नहीं, ये कुछ नहीं कहा जा सकता क्या होगा, है ना? ये कुछ नहीं कहा जा सकता क्या होगा, क्योंकि नेताओं ने कोई और डुबडुबी फड़ा दी। नेता जितने हैं आपस में भी दुश्मनी है इनकी, अगर कुछ हो गई गड़बड़, क्या सबूत है कि आपस में नहीं मारेंगे ये एक दूसरे को? पार्टियों को ख़त्म क्यों नहीं करेंगे अपने से? क्या पता किस हवा किधर को चल जाए। अच्छा है अगर राष्ट्रीय पार्टी एक ही बना लेंगे तो बचाओ है। राष्ट्रीय पार्टी बना, एक ही पार्टी हो, दूसरी हो ही ना, तो उदे ऊपर भी कोई सुपर ह्यूमन होवे जो उन्हां दी गलतियां ते उन्हां नूं सजा देण दा। एक बनेगी नहीं पार्टी ऐसे, एक पार्टी बनना ही बड़ी मुश्किल बात है। बनेगी जब जब ईमानदार आदमी इकट्ठे होंगे, बेईमान को तो वहाँ जगह नहीं मिलेगी। बेईमान आदमी तो अब वो तो अलग रहेगा, राष्ट्रीय पार्टी तो नीचे से बनती है। लेकिन ध्यान ये रखना हो, पार्टी चाहे 50 साल ना पावर में आए कोई चिंता नहीं, लेकिन गलत आदमी उसमें एंटर ना हो जाए। जैसे कांग्रेस में हो गए थे, धाड़ धाड़ एंटर कर लो, जैसे ये कर लेते हैं, ऐसा ना हो। फिर तो बहुत टाइम लगेगा ना बापू जी बदलाव आने। क्या इतनी देर रहेगा कौन, इतनी देर बचेगा कैसे? साड़ी अद्धी जून तो निकल गई। नहीं नहीं, ये हमारी जो निकल गई ना निकल गई इसमें क्या फ़र्क पड़ता है? पता नहीं कितने आदमी आए कितने चले गए, सवाल ये नहीं है। सवाल यह कि हम एक विचार दे गए, सोल्यूशन का हल दे गए, अब वो हल चलता रहेगा, आवाज़ ये गूंजती रहेगी। हूँ साढ़े को हल तो हैगा वैसे, आवाज़ ये गूंजती रहेगी उसका। आज अब जिन्होंने कांग्रेस बनाई थी उन्होंने राज देखा, लेकिन उनका नाम तो है ना, कुछ प्लान तो था उनका। ये जो प्लान है ये वर्ल्ड को एक करने का प्लान है, सिर्फ भारत को एक करने का प्लान नहीं है, ये वर्ल्ड को एक करने का प्लान है।
जैसे अमरीका चाहता है कि एक वर्ल्ड हो, छोटी होगी, ये है उनके लिए है, 2030 एजेंडे के लिए है। अब वो मानते हैं या नहीं मानते, 193 देश हैं उनमें, उनके साइन हैं इस पे। अब क्या उन 90 इतने देशों के जो आदमी हैं मानेंगे, साथ पाएंगे, मानेंगे कैसे? नहीं, उनमें अच्छे अच्छे आदमी हैं जो इसके मेंबर हैं। मेंबरशिप बढ़ाई जाएगी, पार्टनरशिप बढ़ती जाएगी, फिर ताकत बढ़ेगी, बढ़ती जाएगी, पार्टी बनती रहेगी। हो सकता है एक टाइम आने पे, बहुत जल्दी भी हो सकता है, क्या फर्क, क्या पता है। अगर ये शिया सुन्नियों की सुलह हो जाती है तो 5 साल के अंदर अंदर सब ठीक हो जाएगा। इनकी इतनी शक्ति है, अपने देशों में ये राज कायम कर देंगे, दूसरे अंग्रेजों को मजबूरी में करना पड़ेगा। तो सिया सुन्नी बापू जी इकट्ठे हो क्यों नहीं रहे वैसे? की वैचारिक मतलब लीडरशिप स्वार्थियों पे है, स्वार्थ इकट्ठा, अपना स्वार्थ छोड़े कौन, स्वार्थ इकट्ठा नहीं होने देता। वैचारिक ईमानदारी ही यूनिवर्सल सोल्यूशन है, बस बस, और कुछ जरा मर्जी होवे, सिया होवे, सुन्नी होवे, सिंह होवे, कुछ भी हो, बौद्ध होवे।